आज की ये मेरी जो वीडियो है इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि विंडो एसी के अंदर कौन कौन सी चीज़ें लगी होती हैं, कौन कौन से पार्ट लगे होते हैं और कहाँ लगे होते हैं। देखिए, ये हमारा एक विंडो एसी का डायग्राम है और इस डायग्राम के जरिए ही मैं आपको सारे इसके रियल पार्ट्स आपको दिखाना चाहूँगा और उनके बारे में समझाना चाहूँगा कि कहाँ पर कैसे वर्क करते हैं। तो देखते हैं रियल पार्ट्स और कुछ चीज़ें जो एसी का हिस्सा नहीं है लेकिन वो भी एसी का हिस्सा ही मानी जाती हैं, क्योंकि उनमें कुछ ख़राबी होने पर भी एसी कूलिंग बंद कर देते हैं। तो उन चीज़ों को भी हम इस वीडियो में देख लेते हैं जिनका देखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए, हमारा जो एसी चलता है वो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, तो इलेक्ट्रिसिटी हमारी जो होती है वो 220 वोल्ट होती है एसी सप्लाई, और सिंगल फेज सप्लाई होती है 230 वोल्ट हमारे जो है 50 हर्ट्ज हमें एसी को चलाने के लिए चाहिए होते हैं सबसे पहले। इसके बाद हमारे एसी में एमसीवी लगी होती है। आप ये मत समझिएगा कि एसी हम रिपेयर करना सीखना चाह रहे हैं तो हम एसी ही रिपेयर करना सीखें, आपको एमसीवी की भी नॉलेज होनी चाहिए क्योंकि एमसीवी से रिलेटेड फॉल्ट भी आते हैं और एसी वाले को ही ये चेक करना पड़ता है जाकर के एसी खराब हुई है क्या खराब हुआ है। इसके बाद स्टेबलाइजर, स्टेबलाइजर की भी जो है आपको नॉलेज थोड़ी होनी चाहिए, आप इसी को भी एसी का ही एक हिस्सा मान के चलिए। इसके बाद आती है वायरिंग जो कि एसी स्टेबलाइजर से एसी में जा रही है। ये देखिए, ये हमारा मेन बोर्ड है एसी का, पीसीबी कार्ड, और एसी को यही कंट्रोल करता है, और ये उसका डिस्प्ले कार्ड है। पीसीबी कार्ड अक्सर दो कार्डों से मिलकर बनता है, डिस्प्ले कार्ड और मेन बोर्ड। और ये देखिए, ये हमारा एसी का पीसीबी कार्ड है और ये उसका कंट्रोल पैनल है। आप देख रहे हैं सारे ऑप्शन इस पर लिखे हुए हैं। और ये रहा हमारा रिमोट, आपको रिमोट की भी नॉलेज होनी चाहिए थोड़ी सी कि रिमोट में क्या क्या फंक्शन होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, और आप उनको कस्टमर को समझा सको, जिससे कि कस्टमर अक्सर पूछ लेते हैं कि एसी के जो ये रिमोट है इसके फंक्शन आप उनको समझा दीजिए। आपको रिमोट की नॉलेज भी होनी चाहिए और रिमोट कैसे चेक करते हैं ख़राब है या नहीं है, इसके लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, आप उसे मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं। इसके बाद आती है बारी ग्रिल की, ये ग्रिल होती है और ग्रिल के पीछे लगा होता है हमारा फिल्टर, ग्रिल बीच में से खुल जाती है, और ये है हमारा एवोपरेटर मतलब के कूलिंग कोयल। ये देखिए, ये हमारी कूलिंग कोयल है और इस तरह की होती है, और ये एसी में यहाँ पर लगी होती है जैसे कि आप देख रहे हैं, और ये देखिए ये लगी हुई है हमारी कूलिंग कोयल। इसके बाद ये होती है हमारी कंडेंसर कोयल। देखिए, कूलिंग कोयल और कंडेंसर कोयल दोनों सेम कोयल ही होती हैं, सिर्फ इनके नाम इनके वर्क के आधार पर रख दिए जाते हैं। ये एसी का पिछला हिस्सा है, विंडो एसी का, आप देख रहे हैं ना इसमें कंडेंसर ये लगा हुआ है। अब हमारे एसी में हमेशा दो कैपेसिटर होते हैं, चाहे विंडो हो या स्प्लिट हो, दो कैपेसिटर होते हैं। एक फैन चलाने के लिए लगा होता है छोटा कैपेसिटर, और एक कंप्रेसर को चलाने के लिए लगा होता है, और कई बार दोनों कैपेसिटर का काम एक ही कैपेसिटर कर देता है। ये ड्यूल रन कैपेसिटर है, इसमें दोनों कैपेसिटर एक साथ में ही होते हैं, जैसे मैंने आपको पिछले इसमें दिखाए कि दो कैपेसिटर है। देखिए, ये एक 6 mFd का कैपेसिटर है और एक 50 mFd का कैपेसिटर है। देखिए, ये ड्यूल रन कैपेसिटर है, इसमें क्या है, इसमें दोनों कैपेसिटर एक साथ में कंबाइंड करके बनाए हुए हैं, एक 50 mFd का है और दूसरा 6 mFd का है, और इसमें टर्मिनल तीन जगह होती है वायरिंग की, तीन जगह टर्मिनल दिए होते हैं वायरिंग के। अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर 6 और 50 दोनों कैपेसिटर एक साथ हो सकते हैं। ये हालांकि 45+6 का कैपेसिटर है। ये होती है हमारी कैपलरी, आप ये जो देख रहे हैं ना छोटा वाला पाइप, ये बारीक वाला पाइप, ये हमारा कैपलरी है ये, और ये हमेशा फिल्टर से जुड़ी होती है और एवोपरेटर वाले मतलब कूलिंग कोयल वाली साइड से जुड़ी होती है। फिल्टर और एवोपरेटर के बीच में ये हमारे रहती है। ये देखिए, ये है हमारा फिल्टर, ये रही हमारी कैपलरी ट्यूब जैसे कि मैंने आपको दिखाई, ये है हमारा कंप्रेसर। कंप्रेसर में एक ये एक्यूमुलेटर रहता है, और कंप्रेसर के दो पॉइंट होते हैं, एक ये पॉइंट होता है सक्शन और ये होता है डिस्चार्ज। इससे कंप्रेसर गैस खींचता है और इससे गैस को निकाल देता है। ये देखिए, ये हमारा कंप्रेसर लगा है,
ये देखिए ये सक्शन है हमारा और ये है इसका डिस्चार्ज जो कि हमारे कंडेंसर कोयल में जा रहा है। ये है हमारा फैन और ये फैन जो है ये प्रोपेलर टाइप का फैन है। ये देखिए ये लगा हुआ है यहाँ पर। इस फैन की खास बात ये होती है कि ये पीछे से एयर खींचता है और सामने की तरफ धकेल देता है, एयर को इस तरफ फेंक देगा। तो ये आप देख रहे हैं ये चारों तरफ से एसी, ये जो फैन के जो ये चारों तरफ से जो ये बंद है इसकी वजह से जो ये एयर इस तरफ फेंकेगा वो इसमें पूरे में आ जाएगी और कंडेंसर के हर हिस्से से बाहर निकलेगी, यहाँ से भी यहाँ से भी यहाँ से भी हर तरफ से। ये है हमारा इम्पेलर, वैसे इसे इम्पेलर बोलते हैं। और ये हमारा ब्लो टाइप फैन है। इसकी खास बात ये होती है कि एयर इस तरफ से खींचता है ऐसे, अपने इस गोल वाले हिस्से से इस तरफ से खींचेगा और जो ये बाहरी हिस्सा इससे बाहर निकाल देता है। इसलिए ये विंडो एसी में खास तौर से यूज़ करा जाता है क्योंकि विंडो एसी में कोयल हमारी यहाँ होती है और ये इस तरफ से एयर खींचता है और यहाँ से एयर बनाते हुए ये इस तरफ से बाहर निकाल देता है हमारे। तो इस फैन की खास बात यही होती है कि इस तरफ से खींचता है और इस तरफ से निकालता है। इसके बाद ये होते हैं हमारे गुरमिट और ये हमारे मोटर के गुरमिट हैं, फैन मोटर के। ये देखिए ये यहाँ पर लगे होते हैं दोनों साइड, नट बोल्ट पेच वॉशर ये सब तो आप जानते ही हैं। और उसके बाद बारी आती है हमारी फैन मोटर की। ये ड्यूल साइड होती है हमारी विंडो एसी में, एक तरफ जो है ये हमारे ब्लोअर को घुमाती है और दूसरी तरफ हमारे ये फैन को घुमाती है। देखिए ये है हमारी ड्यूल साइडेड मोटर, ये एसी में लगी हुई है और ये है हमारा इसका ब्लोअर व्हील और ये है हमारा प्रोपेलर टाइप फैन और ये दोनों एक ही बारी में घूम जाएंगे इस मोटर के घूमने से, क्योंकि इसकी जो शाफ्ट है वो दोनों तरफ है मोटर में और एक ही शाफ्ट से दोनों ये एक साथ में जुड़े हुए हैं। ये रहा हमारा फिल्टर। फिल्टर कई तरह के होते हैं, सिंगल कैपिलरी का फिल्टर भी होता है, डबल का भी होता है और तीन का और चार का भी होता है। ये देखिए ये लगा हुआ है हमारा फिल्टर और ये रही हमारी कैपिलरी। ये देखिए ये रहा हमारा फिल्टर और ये रही कैपिलरी। ये होते हैं गुरमिट, ये छोटे छोटे से बूस होते हैं रबड़ के और ये हमारे हमेशा कंप्रेसर के नीचे लगे होते हैं यहाँ पर। ये देखिए ये विंडो एसी में आप देख रहे हैं ये लगा है, एक ये लगा है, एक यहाँ पर है, तीन है, तीन होते हैं। ये देखिए ये रहा गुरमिट। ये हमारी इंसुलेशन, ये करीबन 10 mm मोटी इंसुलेशन होती है, बाकी 6 mm की भी आती है, 6 mm वाली बेकार होती है, हमेशा 10 mm वाली यूज करनी चाहिए। और ये कॉपर के पाइप पर चढ़ी होती है। इसके बाद बारी आती है हमारी रेफ्रिजरेंट की। रेफ्रिजरेंट देखिए हमारा ये 410 है, ये 32 है और ये 22 है और इनकी भी एक अलग अलग खासियत होती है, ये अलग अलग टेम्परेचर तक जाते हैं। जैसे R22 जो है हमारा ये लगभग 40 डिग्री माइनस तक चला जाता है और R32 हमारा लगभग 51 डिग्री के आसपास तक माइनस में चला जाता है और ये इन गैस की अलग अलग खासियत रहती है। इस टाइप से हमारी जो है वो गैस पड़ी होती है रेफ्रिजरेंट। ये हमारा एवोपरेटर कोयल है, कूलिंग कोयल, इसके अंदर जो हमारे कॉपर के पाइप रहते हैं उनके अंदर ये गैस पड़ी रहती है इस तरह से। ये हमारे कंप्रेसर है और ये हमारा कंडेंसर कोयल है, इसके अंदर भी ये हमारे जो पाइप रहते हैं उसके अंदर ये गैस रहती है। ये हमारा फिल्टर और ये कैपिलरी। अब इनमें अगर कहीं भी दिक्कत आती है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे में अगर कहीं भी दिक्कत आएगी तो पूरा ही गैस का लेवल एकदम कम हो जाएगा। मोटी लीकेज पर ये सारी गैस निकल जाएगी और माइनर लीकेज पर ये गैस थोड़ी कम हो जाएगी। ये हमारी बॉडी है और बॉडी से रिलेटेड भी फॉल्ट आते हैं, इसलिए मैंने आपको हर एक वो चीज़ दिखा दी जिससे रिलेटेड फॉल्ट आते हैं। जितने फॉल्ट मुझे पता है मैं आने वाली वीडियो में आपको सब फॉल्ट बताऊंगा कि एसी के अंदर क्या क्या फॉल्ट किस किस चीज़ से आते हैं। ये आउटर कवर है और ये है हमारी आउटर कवर का साइड, यहाँ से हमारी एयर सक होती है और ठीक इसके सामने से दूसरी तरफ से भी एयर हमारी सक होती है। अब ये देखिए ये दो भागों में होता है एक तरह से विंडो एसी भी। ये हमारा इनसाइड होता है
और ये हमारा आउटसाइड होता है। एसी में भी दो पार्ट होते हैं, एक आउटसाइड पार्ट एक इनसाइड पार्ट। ये हिस्सा कमरे से कांटेक्ट करता है और ये एटमॉस्फेयर से बाहर के, ये रहता है हमारा हीट एक्सचेंजर। इसका काम है ऑल वेदर एसी में, मतलब गर्मियों में ठंडा और ठंडे में गर्म करने वाले एसी के अंदर ये लगा होता है। और आपको ये बहुत कमी से मिलेगा, क्योंकि 1% से भी बहुत कम लोग इस हॉट एंड कूल एसी लेते हैं, इसलिए ये आपको बहुत ही कमी से मिलेगा, साल 2 साल में कभी एक आध बार देखने के लिए। ये है हमारी स्विंग मोटर, और स्विंग मोटर जो है ये हमारी एयर फ्लो को लेफ्ट राइट फ्लो करने के काम आती है। ये देखिए, ये हमारा जो है ऐसे लूवर्स कंट्रोल होता है, और ये अगर इधर है तो ये इधर चली जाएगी, और इसका मुंह अगर इधर हो गया तो इधर चली जाएगी। और ये यहाँ पर विंडो एसी में यहाँ लगी होती है ज़्यादातर। आप देख रहे हैं कैरियर का एसी है, और इसमें यहाँ पर लगी है ये। और ये देखिए, ये एक वोल्टास का एसी है, ये इसमें ऊपर लगी हुई है। अलग अलग कंपनी अक्सर अलग अलग जगह लगा देती हैं। और जो ऊपर एयर फ्लो के काम हमारे जो आता है वो ये वाले लोअर्स हैं, और ये हमें हमेशा मैन्युअली ही सेट करने पड़ते हैं अपने आप से ही। इनके लिए विंडो एसी में अभी कोई मोटर नहीं आती। ये है हमारी स्क्रॉल शेप थर्माकोल, और ये भी विंडो एसी के अंदर लगी होती है, इसका भी काफी बड़ा रोल है। और ये देखिए, विंडो एसी में यहाँ लगी हुई है, आपने देखा, ये हमारा ब्लोवर टाइप फैन है। और ये देखिए, बिल्कुल ये यहाँ से फैन के पास है बिल्कुल, और यहाँ से दूर हटती जा रही है, और इसको स्क्रॉल शेप बोलते हैं। यहाँ से एयर बननी शुरू होती है, और यहाँ तक प्रेशर बनते बनते एयर यहाँ को ये फेंकता है, और यहाँ से एयर बाहर निकल जाती है हमारे इस जगह से होती हुई ऐसे बाहर। और इसके ऊपर एक ये इंटेल फनल लगा होता है, जिससे कि ये जो ब्लोअर टाइप फैन है हमारे उसकी शेप तैयार हो जाए। मैं आपको दिखा दे रहा हूं कि जब मैं इसको हटाता हूं तो इसके पीछे आपको थर्मोकोल कैसे लगी मिलेगी। अब देखिए, यह है हमारा स्क्रोल टाइप फैन। यही शेप तैयार करने के लिए जो है थर्माकोल का यूज किया जाता है विंडो एसी के अंदर, क्योंकि ये जगह जो है ठंडी होती है, और एसी का वजन भी कम करने के लिए थर्माकोल की सीट यहाँ पर लगाई जाती है। जी, ये रहता है हमारा स्क्रोल टाइप फैन। आप देख रहे हैं, इसमें ये मोटर है, ये हमारा यहाँ से सक्शन है, यहाँ से एयर हमारी अंदर जाती है और यहाँ से बाहर हो जाती है। सेम इसी टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है विंडो एसी के अंदर एयर फ्लो बनाने के लिए, मतलब एयर को खींचने और बाहर निकालने के लिए। इसीलिए उसमें थर्माकोल की सीट और उसके ऊपर इंटेल फनल लगाया जाता है। अब बारी आती है हमारी थर्मोस्टेट की। ये हमारा एक थर्मोस्टेट है, ये इसका सेंसर है, और ये इसका प्लग है, और ये हमारे रूम की जो एयर है उसका टेम्परेचर सेंस करने काम आता है। ये देखिए, रूम की एयर हमेशा हमारे यहाँ से एसी के अंदर जाती है कूलिंग कोयल के, और ये हमेशा कूलिंग कोयल के सामने लगा मिलेगा आपको। इसके बाद ये हमारा थर्मोस्टेट नंबर 2, और इस थर्मोस्टेट की खासियत ये है कि ये ऐसे कॉपर के पाइप के अंदर रहता है फंसा हुआ, और ये कूलिंग कोयल की कूलिंग जो है वो सेंस करता है। ये देखिए, ये यहाँ पर लगा मिलेगा आपको विंडो एसी के अंदर हमेशा। ये देखिए, और ये कोयल का टेम्परेचर सेंस करता है। इसके बाद फाइनली लास्ट में हमारी होती है वायरिंग, जैसे कंप्रेसर की वायरिंग, मोटर की वायरिंग, समझ रहे आप, और मेन सप्लाई, वो हम इस डायग्राम के जरिए करते हैं। तो ये डायग्राम भी आपको देखना आना चाहिए। तो अब जो वीडियो हमारी कंटिन्यू होने जा रही है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इन्हीं सब के बारे में।